हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो साथियों, आज हम काफी इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जी हाँ साथियों, अभी एक अच्छी खबर आ रही है आप लोगों के लिए। जो अभी अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग 2.5 लाख वैकेंसीज ये चार जो स्टेट्स हैं इनके अंदर आने वाली हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार और यूपी ये सबसे बड़े मतलब स्टेट्स हैं जिनमें मतलब काफी रिक्वायरमेंट है टीचर्स की। और बात करें हम बिहार की, तो साथियों बिहार के अंदर अभी भी लाखों पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया कि जितने भी शिक्षकों के पद हैं वो सारे भरे जाएं। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 9800 वैकेंसीज के बारे में अभी अपडेट मिल चुकी है। इसके बाद 10500 जो पहली वैकेंसीज हैं वो भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकती हैं, और लगभग 26000 के लगभग जो वैकेंसीज हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, अभी जो अपडेट है 2.5 लाख वैकेंसीज आपकी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी, और इन चार स्टेट्स में आपको ये सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। तो जो और अदर स्टेट्स हैं उनमें भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और ये एक अच्छी खबर है उन कैंडिडेट्स के लिए जो टीचिंग पोस्ट की वेट कर रहे हैं। तो साथियों, यूपी, बिहार, हरियाणा और दिल्ली, और मैं बताना चाहता हूं यूपी के अंदर भी काफी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, क्योंकि यूपी में अभी भी शिक्षकों की काफी पद खाली हैं। और जैसा कि गवर्नमेंट ने निर्देश दिया है कि जो टीचर्स हैं उनके कहीं भी पद खाली ना रहें। और इसके बाद जो बिहार है, बिहार में भी काफी शिक्षकों के पद खाली हैं, और हरियाणा में भी माना जा रहा है 25-30 हजार पद काफी अभी खाली हैं। टीजीटी लेवल है, पीजीटी लेवल है, और पीआरटी लेवल पे भी काफी पद अभी खाली बताए जा रहे हैं। हालांकि जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको लेकर अभी भी काफी मतलब देखा जा रहा है कि क्या होगा उनका, क्योंकि अभी उनका कोर्ट में केस चल रहा है कि उनकी जो सेवाएं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको पक्का कर दिया, लेकिन कोर्ट ने अभी क्या कहा है कि ये असंवैधानिक है, ये किसी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया को क्वालिफाई नहीं करें। हालांकि अभी देखते हैं क्या होता है, ये अभी अपडेट है आप लोगों के लिए। और दिल्ली के अंदर भी काफी टीचिंग पोस्ट आने वाली हैं। तो साथियों, 2.5 लाख आप समझ सकते हैं, अगर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो बेरोजगार नहीं रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया है, अभी बता दिया है, बाद में ये नहीं कहना कि हमें अपडेट नहीं मिली। तो आप ही आज से ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए जिससे आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।